Alpha for Bravo, over. Alpha for Charlie, over. Alpha for Charlie. Charlie, this is Alpha. Report to headquarters, over. Sir. Lieutenant Kalia, carry out a detailed recce with this patrol. खबर मिली है कि कुछ चूहे LOC क्रॉस करके इस तरफ घुस आए हैं. ऐसी कोई भी हरकत नजर आए, लेफ्टिनेंट गेट इन टच विद मी इमीडिएटली एंड पास मी द इंफॉर्मेशन. डोंट वरी सर, उन चूहों को हम कुचल कर LOC के उस तरफ ढकेल देंगे सर. गुड, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Lieutenant Kalia, come in, over. Lieutenant Kalia, come in, over. Lieutenant Kalia, this is your CO. Lieutenant Kalia, come in, over. Amit, do you hear me, Amit? Amit, over. Get me brigade headquarters. Alpha to Tiger, come in. Over. Sir, I have a problem. Not being able to establish radio contact with both my patrols for last 2 weeks. There is absolutely no news of them. This is the cause of worry, sir. Now you do one thing, Colonel. Wait for my further orders. And please don't send any more search parties. Let me talk to the higher command and I'll get back to you. Over and out. Over. अरे क्या हुआ? बम बूस्ट लगा हुआ था साहब. अंधेरे में दुश्मन कहाँ थे? पता ही नहीं चला. मुजाहिदीन और पाकिस्तानी ट्रूप्स LOC क्रॉस करके कई किलोमीटर्स तक अंदर आ बैठे. ओह, इस इंफॉर्मेशन से लगता है कि दे आर ऑल ओवर मुश्को वैली, द्रास सेक्टर, पटालिक सेक्टर. वो तो पूरे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किए हुए एंड दे हैव ऑक्युपाइड ऑल आवर बंकर्स टू. सर, जो खाने पीने का सामान हमारी फौज अपने बंकर्स में छोड़ाई थी वही खा पी रहे और हम ही पर हमला कर रहे हैं. सर, प्रॉब्लम ये है कि 0.4875 तोलोलिंग और कुकरथांग सो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर नजर रखे हुए और हमारे कॉन्वॉयस पे कंटिन्यू शेलिंग करवा रहे हैं. सिचुएशन इज वेरी सीरियस. कनेक्ट मी टू दिल्ली. राइट सर. सर, द एनिमी प्लान इज सिंपल. टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम लद्दाख बाय हिटिंग नेशनल हाईवे नंबर 1 सर. Orders from Delhi are very clear. Maximum mobilization Kargil sector mein kiya jaye. Orders hai ki hamari zyada se zyada battalions tainat ki jaye. And as we know,
दुश्मन ऊपर एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठा हो और हमें नीचे से हमला करना पड़े, सो द रेशियो विल बी 6-1, हमारे 6 मरेंगे उनका 1, एंड कारगिल टेरेन इज सच वेयर द रेशियो विल बी 10-1, एंड दैट्स द रीजन व्हाई मैक्सिमम मोबिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। सर, लेट अस क्रॉस द एलओसी एंड कट ऑफ द एनिमी फ्रॉम बिहाइंड सो दैट वी लूज लेस लाइव्स। पाकिस्तानी एरिया में घुसकर उनको पीछे कट ऑफ करके उनके सप्लाई के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। नो ब्रिगेडियर, द ऑर्डर्स आर वेरी क्लियर दैट वी विल बी गोइंग बाय द बुक। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वी विल क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। दीज आर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिल्ली। एंड सो लेट्स मूव 1/11 गोरखा फर्स्ट। लेकिन सर, 1/11 गोरखा तो अभी अभी सीएचएन से लौटे हैं। कांट हेल्प इट, दे आर द बेस्ट फाइटर्स फॉर दिस एरिया। 1/11 जीआर का कमांड कर्नल ललित राय को सौंपेंगे। Let me talk to him. Sir. Colonel Lalit. Sir. You are required to proceed to Yaldur Kargil sector immediately and take charge of 1/11 Gorkha regiment. Yes, sir. We'll make arrangements to drop you at Yaldur within 24 hours. I'll be there. Main wahan pahunch jaunga, sir. साहब जी, 27 जेसीओ, 470 अदर रैंक, हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान, 3 ऑफिसर्स, 27 जेसीओ और 470 अदर रैंक हाजिर हैं। ओके। बटालियन, वी स्ट्रॉन्ग। जय महाकाली। बहादुरी का दूसरा नाम गोरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गोरखा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गोरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? जय महाकाली। बटालियन माउंट। कर्नल ठाकुर, मूव योर बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स टू कारगिल द्रास सेक्टर इमीडिएटली। स्टॉप ऑल ऑपरेशंस इन कश्मीर वैली एंड प्रोसीड इमीडिएटली। राइट सर। चुकून तुला पण घेऊन टाकला असता। क्यों, डर गया क्या? वो पूरी तरह से आर्म था, तुझे मार सकता था। और हाँ, मी मराठा है, मर्द मराठा, डरते नहीं, डराते हैं। और मैं हरियाणवी जाट, सिर्फ मारता हूँ।
आज तुमचा प्रॉब्लम है ये हरियाणवी भैंसों वाली बुद्धि, ना पहले कुछ सोचते हो ना बाद में। जय महाराष्ट्र। जय हरियाणा। सचिन बलवान तुम लोग अपने आपस का झगड़ा बंद करो। मैसेज आया है कि वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं और बटालियन इज मूविंग फॉरवर्ड टू द्रास सेक्टर। कम ऑन। मेरे जवानों, हुक्म मिला है कि तोलोलिंग पहाड़ी जो हमारा अपना हिस्सा है, जहां पर हमारी अपनी पोस्ट भी है, दुश्मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां से वो नेशनल हाईवे 1 पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हमारी कॉन्वॉय की हर मूवमेंट को वो देख रहा है और उस पर नजर भी रख रहा है। हमें दुश्मन को बाहर भगाना बहुत जरूरी है। हमें उन पर हमला करना है। दो दो तीन तीन बटालियन वहां ऊपर भेजी गई। इस वक्त 16 ग्रेनेडियर्स वहां लड़ाई कर रही है। अब ये टास्क हमें दिया गया और हेडक्वार्टर्स ये चाहती है कि हम ये बात मान लें कि वहां बस सिर्फ 8-10 मुजाहिदीन बैठे हुए हैं और नागा बटालियन भी वहां पहुंच चुकी है। सर कुछ गड़बड़ है। सर कोई पूरी बात बता नहीं रहा है। साहब अगर हुक्म हुआ तो अटैक जरूर करेंगे साहब, लेकिन दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है कि अगर वहां से एक कंकड़ भी फेंकेगा तो 600 मील की रफ्तार से लगेगा साहब। और दुश्मन के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर कि वो 8 हैं या 800। 8,000 भी हो तो क्या है साहब, वो हमारे घर में घुसे बैठे हैं। अगर उनको बाहर निकालना होगा तो निकालेंगे साहब। कहना बहुत आसान है, अगर हम सब फैमिली और आप हमारे पिता हैं तो आप क्यों जानते बूझते हुए अपने बच्चों को अंधेरी गली में ढकेलना चाहते हैं, वो भी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर। जब कोई बच्चा अंधेरी गली से गुजरता है तो डर के मारे सीटी बजाता है, गाना गाता है। हम भी गाना गाते हुए जाएंगे सर, वही पुराना गीत जो मेरी मां गुनगुनाती रहती है, सुन बेरी बलम सच बोल रे अब क्या होगा। अब नहीं साहब, अब कहिए। अबे तू यहां लड़ाई जीतने आया या मेरी भाषा ठीक करने? सॉरी साहब। सर आप ऑर्डर दीजिए, बटालियन तैयार है। 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली, सर्वदा शक्तिशाली। हेलो कर्नल बाबा, लिसन, मूव योर बटालियन 17 जाट टू कारगिल मथायन सेक्टर इमीडिएटली। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। रिलैक्स अनुज सिराल, कैच योर ब्रेथ। थैंक यू सर। ये बर्फ कहां से चुरा लाए? यहां और चुराने को है क्या, कुदरत की रंगीनी या फिर बर्फ की ठंडक। नेवर से द ट्रू वर्ड। ओके अनुज, नाउ टेल मी, मिशन पे क्या हुआ? 4 आदमी थे सर, चारों अफगान या फिर ट्राइबल्स। 3 तो गांव के बच्चों और औरतों की आड़ लेकर भाग गए, एक को तो मैंने धर लिया। उसे इंटरोगेट तो किया होगा? किया था सर, लेकिन वो रोता रहा और एक ही बात कहता रहा कि खुदा के वास्ते मुझे गोली मार दो। क्यों? उसका कहना था सर कि अगर मैं जिंदा रह गया तो तंजीम के आदमी मुझे मार डालेंगे और अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों को 3 लाख रुपए मिलेंगे, इसलिए खुदा के वास्ते मुझे गोली मार दो। मैंने पूछा पैसे कौन देगा, उसने कहा तंजीम। सर मुजाहिदीन या अफगान पीर पंजार तक पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बहुत बड़ी मूवमेंट नजर आ रही है सर। वी मस्ट इन्फॉर्म ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। दैट वी विल डू अनुज, द बटालियन इज मूविंग टू मथायन, कारगिल सेक्टर। कारगिल ट्रबल एरिया? या हां जंगू सर, आपको टेररिस्ट धरने के बहुत चांस मिलेंगे और हमें ट्रिगर दबाने के। ऑफ कोर्स अनुज, लेट्स गो। जय हिंद सर। जय हिंद। दीपक तुम
तुम्हारी छुट्टी तो अभी बाकी थी ना? छुट्टी तो अभी बाकी थी सर, लेकिन जो मैंने गुजारी वो मैं ही जानता हूँ। क्यों, क्या हुआ? हर तीसरे दिन एक फौजी का कॉफिन गांव में आ रहा था, वो ज्यादातर सिख रेजिमेंट के थे सर। दीपक, हमारी बटालियन वही जा रही है जहाँ से ये कॉफिन आ रहे हैं। उन्हीं कॉफिन्स का बदला लेने तो मैं जल्दी आया हूँ सर। दीपक सर, अब दुश्मनों के ताबूत बनेंगे। Let's hope so. Major Joshi, Joe. Yes, sir. You have been promoted as Lieutenant Colonel. Thank you, sir. I hope I deserve it, sir. You take command of 13 J&K Rifles Battalion. I got to be the commanding officer of the battalion, sir? That's right. Right, sir. Things here at Kargil are pretty bad. Now your task, move to Gumri, Kargil sector. Right, sir. Thank you, sir. जय हिंद। अजय, वैली के सारे ऑपरेशंस कैंसिल हो गए हैं। बटालियन त्रास सेक्टर के लिए आगे बढ़ रही है। विक्रम बत्रा कहाँ है? पेट्रोल पार्टी के साथ गया था। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 मील दूर गांव में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, उन्हीं के लिए गया था। कब गया था? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? What the hell? क्या तुमने उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? Of course, विकास, मैंने एक पेट्रोल पार्टी भेजी थी, लेकिन जब तक वो लोग गाँव में पहुंचे वहां से निकल चुका था। और उस खम्बक ने हमें कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। I hope the patrol party is okay. आखिर उनकी सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। Let's get him on the radio. Come on. Yeah. Everyone, for a moment, हम base camp पे पहुंच चुके हैं। ऐसे जवाब। Abraham. Sir, Vikram sir आ गए हैं। Abraham. अबे ओ Superman, thank God you're okay. कहाँ रह गया था तू? अरे रह कहाँ गया, आ तो गया मैं। अरे विक्की, हम लोग परेशान थे यार। पता है, मेजर विकास इज फ्यूमिंग इनसाइड। तू निकल कहाँ गया था? निकल तो लिए वो आतंकवादी, ना जाने कहाँ कर ढूंढता रहा। अबे अकल के दुश्मन, दुनिया मुसीबत से जान छुड़ाती है और तू मुसीबत को ढूंढता फिरता रहता है। मुसीबत से भागना नहीं, मुसीबत का सामना करना मर्दों का काम। यू आर क्रेजी। विवी, ये सब तैयारी क्या हो रही है? बटालियन जा कहाँ रही है? कारगिल, ट्रस्ट सेक्टर। सुना है वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। चलो अच्छा है, वहां तो प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैं रिपोर्ट करके आता हूँ। ठीक है, आराम से। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। लाइए भैया, शुक्रिया। राम राम। राम राम। कैसे रमेश कुमार जी? ठीक है। राम राम। राम राम। अरे संजय, छुट्टी से जल्दी वापस आ गए? हाँ, तेरे घर भी गया था, भाभी ने लड्डू भेजा, दे दूंगा बाद में। माँ का हाल पूछा संजय? हाँ माँ जी ठीक है। बाजी आओ आओ। संजय बाबू, भैया कैसे हैं आप? और संजय बाबू, माँ ने बेड़िया बांधी? हाँ भैया, माँ ने इस बार लड़की ढूंढ ली। और सुनाइए क्या हो रहा है? होगा क्या, मेजर जोशी साहब भी आ गए। मेजर साहब वापस आ गए? यानी एडवांस ट्रूप शाहजहानपुर से वापस आ गए? रेडियो के खबरों से ही लगा था कि मामला काफी सीरियस है। सिट डाउन सर। All ready? Ready to go, sir. Good. Sir, information है कि मुट्ठी पर मुजाहिदीन घुसकर बैठ गए, तो फिर पूरी बटालियन को मूव का ऑर्डर क्यों? Information. मुसीबत छोटी है या बड़ी, ये तो वहीं जाके मालूम पड़ेगा। Sir, when do we move, sir? We have to reach Gumri in 48 hours. We'll be ready, sir. Let's move. राम राम साहब। राम राम। आराम से। संजय, छुट्टी से जल्दी आ गया? हाँ साहब, जैसे खबर मिली कि पलटन फॉरवर्ड मार्च कर रही है,
मैं तुरंत चला आया। रघुनाथ जी साहब, घर से चिट्ठी आई है, माजी की तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। जवानों, मेरे साथियों, जब मैं छोटा था तो हम बस्ती के बाहर एक हवेली में रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो उसकी खातिर तवाजो की जाती थी। जब कोई बिन बुलाया आता था तो उसे खिला पिला कर बाहर भेज देते थे। कभी कोई भटका हुआ जानवर घुस आता था तो उसे लकड़ी से हाँक कर बाहर कर देते थे। लेकिन जब भी कोई चीता या भेड़िया घुस आता था तो उसे गोली मार दी जाती थी। आज हम सबके घर में ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ भेड़िए हमारे घर में घुसकर बैठ गए। अब तुम लोग ही बताओ उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए। वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं हम। वादा करो कि ये काम पूरा किए बिना हम वापस नहीं आएंगे। क्या ये इरादा पक्का है? हाँ, ये इरादा पक्का है। भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बनो, गोरा की सच गई बरात, काप 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 है यो। पहुंच गए मेरी बन्नी के बन्ना। तू भी बस क्या है यार। अरे भाई, शादी के बाद तू मेरे को पहली बार मिला है। कैसी थी? क्या शादी और क्या, जैसी होने ती होगी। माँ ने लड़की पसंद की, हमने कर ली। हाँ, लड़की कैसी है? अच्छी है, सुंदर है। अब सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है भाई। हाय, माने सुंदर है। तस्वीर लाए हो? हाँ, कहाँ है? दिल में। और यादें? वो भी दिल में। और हमारे लिए क्या लाए हो धौलिया? मिठाई। वो कहाँ है? बिस्तर बन में, ले लो। वेरी गुड। मुझे लगा था कि तू कहेगा कि पेट में। नाउ कम टू द पॉइंट, सोल्जर योगेंद्र सिंह यादव। जी अर्ज, बोलिए। सुहागरात कैसी? तू भी यार छोड़ ना यार। अरे बताना। चका चक। अरे साले, शादी तूने क्यों, मैं मरते मरते बचा। वो कैसे? तू भी योगेंद्र सिंह यादव, मैं भी योगेंद्र सिंह यादव। तू भी 18 ग्रेनेडियर में, मैं भी 18 ग्रेनेडियर में। बधाई का इकतार मेरे पास आ गया कि शादी मुबारक। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे पहुंचा मेरे पास। अगर कहीं घर पे पहुंच जाता तो पत्नी पड़ती और कहती, हाँ चल ना दूसरी शादी कर ले, और डंडा लेके वहां से निकलती और यहाँ पहुंचती। फिर तो नाम देता रहता और बंदा लेता। अच्छा होता जो जूते पड़ते तुझे भाभी के। यार लेकिन स्वागत तो जैसी रही उसी ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन सुबह 4 बजे जब मेरी आंख लगी, एक बड़ा भयानक सपना देखा। कैसा? मैंने देखा कुछ लोग मेरे हाथ से हमारा तिरंगा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यादव जी, मैंने भी तिरंगे को छोड़ा नहीं, अकेले ही साढ़ों को मार मार भगाया। तिरंगे को छोड़ा नहीं यादव जी। जुबान की तरह तेरे सपने भी काले हैं साले। देख, हो गया ना सपना सच। अब तू अकेला नहीं, हम सब जा रहे हैं तिरंगे को बचाने के लिए। कर लेना जो करना हो। अरे करना क्या, करना क्या है? इसी झंडे के डंडे से मार मार के पहुंचा देंगे उस पार साढ़ों को, घुसेड़ देंगे जहां से आते साढ़े। पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, ठंड पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं, और नाला कहता है समंदर से उमड़ना सीखो। हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। अरे भैया गजब भयो। अरे यार समझाया यार, इसको समझाया। सोपोर से ऊपर कारगिल के लिए रवाना हो गई है, मुझे भी जाना है। ना बेटा, 65 में तो तेरा चाचा चला गया, और अब तू, अगर तुझे कुछ हो गया तो ये टब्बर ही खत्म हो जाएगा बेटा। I'm very impressed, Mr. Vikram Batra. अच्छा मिट्टू, एक ऑफिसर को ज्यादा वक्त बॉर्डर पे बिताना पड़ता है, निभा पाओगी? Don't you think you're moving too fast?
I want this relationship to be more than a mere friendship. मैं इस दोस्ती को एक नाम देना चाहता हूँ. निभा पाओगी? अब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ मेरा जवाब क्या है. मिस्टर अनुज नायर. एक्सक्यूज मी, लेफ्टिनेंट अनुज नायर. आई एम सॉरी. Yeah, you better be sorry. Never call me Mr. again, okay? अरे, तुम तो अभी से ही झगड़ने लगी. आगे जाके क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एनिवर्सरी की फोटो बिगड़ जाएगी. Excuse me? Are you proposing to me? I don't know. Am I? Well, yeah. I suppose I am. So, yes or no? Lieutenant Anuj Nair, you are an officer. Behave like one. Get down on your knees and ask for the lady's hand. Yes, ma'am. Will you marry me, please? Yes, I will. दिखाओ कहाँ जला है. छोड़ ना माँ, कुछ नहीं हुआ. अरे ला ना. आए दया बरना लगाए दे बेटा. अम्मा, तेरा बेटा फौज में भर्ती होने वाला है जहाँ बड़े बड़े बम फटेंगे. वहाँ आएगी उसके हाथ चूमने. दाल रखी है, बैठूंगी उसके सामने, इंतजार करूंगी कि कब दाल गल जाए. अच्छी है ना? अच्छी? पागल है.
से ठंडी कोयले से काली तुम बिन होगी हर दीवाली सीखेंगे बादल आंसू बहाना आग लगाने को जान जलाने को होगा सावन सावन तीस अग्नि का होगा
जेन साहब आगे शेलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना साहब। कॉन्वॉय को मैसेज कन्वे कर दो, चौकन्ने रहें। साली डंडा इको आगे शेलिंग हो रहा है, होशियारी से जाना। मनोज लो। थैंक यू सर। क्या सोच रहे हो मनोज? सर ये घुसपैठियों का काम नहीं हो सकता। आर्टिलरी से एमिनेशन डंप उड़ाना, टीवी टावर उड़ाना, आर्टिलरी तो पाकिस्तानी आर्मी के पास है ना सर। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है मनोज, लेकिन अपना गुस्सा और ताकत दुश्मन के लिए बचा के रखो। मुझे किसी और पर नहीं बल्कि अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि दुश्मन एलओसी क्रॉस कर कर अंदर आया कैसे। बंकर्स खाली पड़े थे, गुस्सा है बस। घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। ठीक है सर, अगर दूध की पतीली का ढक्कन खुला भी हो कम से कम कुत्ते को तो शर्म आनी चाहिए। लगता है नेशनल हाईवे 1 को तोड़ना चाहते हैं ताकि लद्दाख को कश्मीर वैली से अलग थलग कर सके। हाँ सर, सुना था कुछ चूहे घुसाए। माँ का ये चूहे की आवाज है क्या? बलवान, शायद ये साले चूहे हमें दम करने वाले। तना दन भम के गोले,
सर, ना तो किसी ने दुश्मन को देखा है ना सुना है। वो कौन है, कितने हैं, कोई कुछ नहीं जानता। बस गोलियों की बौछार है और मरने वालों के कराने की आवाज है। उस घायल जवान ने तुम्हें कुछ तो कहा होगा। सर, वो तो ये भी नहीं जानते कि ऊपर बैठे इंसान हैं या जानवर, कुत्ते हैं या भेड़िए। कुत्ते और भेड़िए राइफल और रॉकेट लॉन्चर्स नहीं चलाते अनुज। ये लोग या तो वो जिहाद के दीवाने हैं जिन्हें एक बार तुम वादी में देखा हो, और उनकी जो फायर पावर है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनका साथ पाकिस्तानी फोर्सेस जरूर दे रही हैं। दिस इज अ सीरियस सिचुएशन सर। ऊपर बैठ के जो गोली चला रहे हैं ना, वो 4 भी हो सकते हैं और 4000 भी। सर, जिसकी कोई जानकारी नहीं उस खंदक में झोंका जा रहा है हमें। अंधी अंधेरे में घुसते हुए हाथों में टॉर्च ना सही, मोमबत्ती तो होनी चाहिए सर। शर्मा जी, अगर आपको सवाल जवाब का इतना ही शौक था तो आप फौज में क्यों आए? किसी विधानसभा, लोकसभा या किसी और सभा में गए होते आप? I'm sorry, sir. It's okay. Bravo कंपनी को तैयार करो, रेकी के लिए, दुश्मन को समझने के लिए, इस इलाके को जानने के लिए। I'll need Anuj with me, sir. Sure. But after 3 days of acclimatization. अब आपको किसी को कुछ कहना है या कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछिए। After this, no questions. Understand? Yes, sir. Sir, we will make contact with the enemy in 3 days, sir. Dushman ko hum pehchan lenge. I promise you. Good luck. हमारा ट्रक सड़क से नीचे उतर गया है, उसे निकालने के लिए मदद चाहिए साहब। चलो चल के देखते हैं। Come on boys, let's move. बटालियन के साहब, इसमें 8 सिख और ग्रेनेडियर्स के जवानों की डेड बॉडी हैं जिन्हें हम लेकर श्रीनगर से दिल्ली जा रहे हैं। ताशे और वो भी ट्रक पार्क कर सौगन माँ के दूध की हर एक जान का बदला लूंगा। इस वक्त मैं बदले के बारे में नहीं, इनके घर वालों के बारे में सोच रहा हूं जिनकी आंगन में इन शहीदों की लाशें जाएंगी। सर, लगता है कारगिल सेक्टर में काफी खबर है। Let's put the coffins inside. इंफॉर्मेशन ठीक है, 101 मुजाहिदीन है, गलत थी। अंदाजा है कि 2 से 3 हजार दुश्मनों की स्ट्रेंथ है जो मुश्को वैली से बटालिक सेक्टर तक कब्जा किए हुए है, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान 5th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। साहब, कुछ आदमी लेकर दाहिनी तरफ जाओ। जी साहब। जी की शेलिंग से पूरा गांव खाली हो गया है। सर,
किलर साहब। सर विश्राम, बैठो मनोज, कम से मनोज, हमने यालदोर गांव पर अपना कब्जा कर लिया है, क्यों ना इसी को अपना बेस कैंप बना लें। सर, ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हमारी गोरखा कंपनी की एक कंपनी 53 बटालियन और 16 ग्रेनेडियर्स की मदद करेगी। ठीक है सर। जो कि कुकरतांग की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है दुश्मन की रेजिस्टेंस पावर की वजह से। एनिमेट कुकरतांग इज वेरी पावरफुल, अ मैन इन फायर पावर, और तुमसे बेहतर दुश्मन से और कौन लड़ सकता है पहलवान पांडे। मैं चाहता हूं कि एक कंपनी लेकर तुम कुकरतांग की तरफ प्रोसीड करो। जी सर। ठीक है ना, काम हो जाएगा सर, इल बी डन। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाय खाने के लिए हमें राशन ना मिले, लेकिन नॉमिनेशंस की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। सर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी तैयारी करो। जी सर। मैं एक कंपनी लेकर जोबार की तरफ प्रोसीड करूंगा। टुमारो वी विल मूव एट 600 आवर्स। सर, 600 आवर्स इट विल बी सर। विश्राम, मैंने आराम का हुक्म तो दिया है, ये जानते हुए भी कि आने वाले दिनों में आराम हम सब के लिए हराम है। हमें काम ही ऐसा सौंपा गया है कि आराम हमारे नजदीक नहीं भटकेगा। हमारा निशाना होगा कुकरथांग पोस्ट, 3 और 16 ग्रेनेडियर्स के जवान कुछ दिनों से कुकरथांग पोस्ट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की नफरी और असला इतना ज्यादा है कि हमारे जवान चंद कदम भी नहीं बढ़ा पाए। हमें उनकी मदद के लिए जाना है। मैं जानता हूं कि काम आसान नहीं है, लेकिन गुरखा रेजिमेंट का हौसला बहादुरी और इतिहास देखते हुए मुश्किल भी नहीं लगता। कोई शक नहीं साहब। असला तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन साथ में काफी स्ट्रेचर्स भी लेकर चलना। इसका मतलब है साहब कि हम में से काफी लोग वापस लौट कर नहीं आएंगे। हम में से हर कोई लौट कर आएगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो। ये मनोज पांडे का वादा है आप सबसे, हम एक भी साथी पीछे छोड़कर नहीं आएंगे। कोई शक नहीं साहब। लेकिन साहब फिर भी कुछ जाने तो जाएगी। जरूर जाएंगी। शायद तुम नहीं जानते कि मौत की दुल्हन का भी स्वयंवर होता है, वो खूबसूरत से खूबसूरत जवान ले जाती है। फिर तो मेरा कोई चांस नहीं पड़ता साहब जी, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूं। ऐसा तू समझता है थापा, कभी अपनी मां से पूछना कि तू कितना खूबसूरत है। पंजाब से मिला हो गया साहब। कितनी दूर है? बताए नजीक है साहब। पोजीशन लो, शायद दुश्मन हमें धोखा दे रहा हो। लिंक अप कोड दो। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1। लिंक ऑफ घुमती, लिंक ऑफ घुमती ओवर। ब्रेवो दिस इज अल्फा, लिंक ऑफ घुमती के सहारे, सहारे ओवर। घुमती के सहारे बोल रहा है, घुमती के किनारे बोल रहा है? सहारे बोल रहा साहब। ठीक है, अपनी पोजीशन दो और लिंकअप के लिए बुलाओ। ब्रेवो 1 फॉर अल्फा 1, गेट रेफरेंस 43126 ओवर। दिखाई दे रहे हैं साहब जी।
ऑल क्लियर। क्या खबर? खबर अच्छी नहीं है साहब। 3 पंजाब और 16 ग्रेनेडियर्स दोनों की पेट्रोलिंग पार्टी कुकरथांग की ओर गई है और वापस नहीं आई है। हम लोग 20 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं साहब। आप लोग अपने साथियों की तलाश में नहीं गए? नहीं साहब, हमें हुक्म था कि हम अपनी पोजीशन ना छोड़ें ताकि और जाने न जाएं। इस पोजीशन पर हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा पाया है। ब्रिगेड नहीं चाहता है कि इस पोजीशन पर दुश्मन का कब्जा हो जाए और दुश्मन आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब गुरखा आ गया आप लोगों को रिलीव करने के लिए, हम इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। इस रास्ते से मत जाइए साहब, इसी रास्ते से हमारा पेट्रोलिंग पार्टी गया था जो अभी तक वापस नहीं आया। मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। हेलो हेलो सिमरन, लिसन, ओह सॉरी आंटी, सिमरन को फोन देंगी? सिमरन, ओह जीसस, आई एम ग्लैड टू हियर योर वॉइस। ये है दीवाना आशिक। व्हाट लक डार्लिंग, इन बर्फीली चोटियों के नीचे एक एसटीडी बूथ मिल गया। एंड वंडर ऑफ वंडर्स, तुम भी घर पे मिल गई। क्यों, बाहर घूमती रहती है क्या? मंगनी तो हो गई, इसके बाद शादी होगी, और शादी के बाद बोलो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है? बताओ ना बाबा। मैं बताता हूँ, इनकी शादी तोलोलिंग में होगी और हनीमून ये टाइगर हिल पे मनाएंगे। फैंटास्टिक जिमी, कीप इट अप। सर्दी तो बहुत है सिमरन, मगर तेरी याद की हरारत से मैं सर्दी का मुकाबला कर लेता हूँ। वाह, याद इधर का नया ब्रांड है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अच्छी तरह तो नहीं, मगर फोन पे आपकी बात सुन सुन के थोड़ा जान चुका हूँ। और मैं भी आपकी बकवास सुनकर आपकी बदतमीजी से वाकिफ हो गया हूँ। जी जी। Hey guys, 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 relax, relax. Captain Sanjeev Jamwal, 13 Jackriff. Captain Anuj Nair, 17 Jat. और ये Lieutenant Vikram Batra, मेरा साथी। हंसी मजाक इसके साथ ही पैदा हुआ था और शायद इसके साथ ही जाएगा। Don't mind him. बत्रा साहब, मजाक वहीं तक अच्छा होता है जहां तक किसी का दिल ना दुखे। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मैं माफी चाहता हूँ। Very sorry. That's like it. It's all right. And by the way, it's Vicky. Anuj. Anuj, कहाँ से हो? दिल्ली से। और आप? पालनपुर। Ah, beautiful place. Beautiful women. Really? Yeah, very. आओ आओ योगिंदर, तुम भी लाइन में लग जाओ। सब? हाँ भाई, नहीं नहीं शादी जो हुई है बेचारी से बात तो कर ही लो। हाँ? जी सर। यार एक बात बताओ। जी। बातों से दिल भरता है क्या? साहब ये बात तो वही जाने जिसकी शादी हुई है, आपकी तो शादी भी नहीं हुई साहब। सॉरी साहब। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बलवान छुट्टी पर कब आए और इसके हाथों में शादी की हथकड़ी पहना दी जाए। तब तो हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं सर। आप माफ कीजिएगा सर, मैं संजय कुमार, जेएन के राइफल्स। आप दोनों की बातें सुनकर रह नहीं पाया। बलवान सर, योगिंदर, 18 ग्रेनेडियर्स। राम राम। राम राम। शादी के बाद वाले पहले मिलन की ललक, अपने आप में मीठी तड़प। पिया मिलन को जाना, पिया मिलन को जाना। शायर बन गया साहब। शादी कर लीजिए, अच्छे अच्छे गंवार भी शायर बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण साहब। क्या कर रहे हो? रोटी है साहब। योगिंदर ठीक ठाक? ठीक ठाक साहब। बाबू शाय। हाँ बोलो।
सुभाष चंद्र जी की जय हो। कैसे हो बलवान? की भालो भाजी? भालो भालो भालो। क्या खा रहे हो? रोटी। अरे सचिन। आए रे बलवान। शिवाजी महाराज की जय हो। जय हो। चलो कहे। ये तो है जोड़ार का। ये ना। अरे अरे ये क्या कर रहे नमूने? नमूने आधी रोटी बंगाल से ली, आधी रोटी महाराष्ट्र से ली, यूपी से कुछ तो लूंगा कि नहीं। बलवान अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया? सर लाया हूं, सर भर के लाया हूं, लेकिन खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए। खिलाने के लिए? जी गोलियां लाया हूं सर, पाकिस्तानियों को खिलाऊंगा। डोंट टेल मी, मतलब अपना खाना नहीं लाए हो? इतने वजन की गोलियां उठा ली सर, पाकिस्तानियों को गोली की भूख कुछ ज्यादा है आजकल। शाबाश, वेल सेड। पार्टी शेलिंग हुई है या लगता है यही एक्शन हुआ है। संभाल के लैंडमाइंस हो सकते हैं। संभाल के चलने, लैंडमाइंस है। राइफल अभी भी पकड़ा हुआ है साहब जी। जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, कम से कम सिपाही की बंदूक तो उसके साथ है। साहब इसको मरे हुए तो कई दिन हो गए हैं, ये 16 ग्रेनेडियर्स का है साहब। इसका मतलब बाकी की मिसिंग पेट्रोल भी आसपास होगी। सबसे पहले इन बॉडीज को नीचे लेके जाने का बंदोबस्त करो। सर मंचा जी साहब, छीटो कार्रवाई करने। जी साहब। Thank you.
उन लोगों को मैसेज दो कि हमें जल्दी रीइंफोर्समेंट चाहिए, तब तक हम आपकी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। कोई शक? जैसे चांद बादल में छुपेगा आगे बढ़ना, उसके निकलते ही वहीं रुक जाना। दुश्मन को हमारा मुंह में खबर नहीं होना चाहिए। जी साहब।
वेट, साहब शेरशाह ब्लाइंड पर है। गोमती के सहारे टू अल्फा ओवर। कांग्रेचुलेशंस मनोज, दिस इज अ ग्रेट डे, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन विजय, ओवर। थैंक यू सर, ओवर। मनोज, क्या बात है? यू डोंट सीम टू बी हैप्पी। ओवर। इट इज अ ग्रेट डे फॉर यू सर, बट फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ डे व्हेन आई लॉस्ट माय मेन। आज मैंने 9 गुरखा भाई खोए जिनकी लाशें उनके घर वालों के लिए रवाना कर रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू सर। इन जवानों की जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मनोज, सिपाही जब लड़ाई पर जाता है तो जज्बात को पीछे छोड़ के जाता है। ओवर। यू आर राइट सर। ओवर एंड आउट। ओवर। मगर ये कमबख्त जज्बात बच्चे से घुस के दिल को दबोच लेते। जैन साहब। जैन, take a seat. Let me brief you, gentlemen. हमारा पहला एम .4540 पर कब्जा, ताकि मुश्को वैली के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मदद पहुंचती है। Our final objective .4875. This point is as important as Tiger Hill. यही वो पॉइंट है जहां से पूरे द्रास इलाके पर नजर रखी जा सकती है और हमारे नेशनल हाईवे की सुरक्षा के लिए यह पॉइंट हमारे कब्जे में होना बहुत जरूरी है। मेजर पुनिया। यस सर। आप बी कंपनी को लेकर .4540 पर अटैक करेंगे। चार्ली कंपनी रिजर्व में रहेगी। ठीक है सर। मेजर दीपक रामपाल सर, आप 3 जेसीओज, 60 जवान और कैप्टन अनुज नैयर, आप दोनों यू विल सर्वे द हाइट्स बिटवीन 5930 टू 4830। दीपक, तुम हमेशा कहा करते थे ना, क्या हमारा काम है दुश्मन को ढूंढना और खत्म कर देना, टू सीक एंड डिस्ट्रॉय। यस सर। वेल, दिस इज योर चांस। ब्रिगेडियर कक्कड़ हैज गिवन अस द गो अहेड। अनुज, तुम दुश्मन को पहचानना चाहते थे ना, जाओ पहचान करा उनसे, अपने इंडियन आर्मी की पहचान करा उनसे। गुड लक बॉयज। अनुज, तू तो फंस गया बच्चू, सारी जिंदगी झांगुओं में गिरा रहेगा। My sister-in-law is your to be wife's best friend and my brother's your batchmate. आप क्या करेगा? कौन जाने जंगू सर, जंगू और नायर के नाम से जाने जाएंगे या नायर जंगू के। अच्छी बात तो यह है कि रिश्ते अगर दोस्ती में रह गए तो जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, है छोटा लेकिन बातें बड़ों जैसी करता है। लेकिन अनुज सर, बच के रहना। Hope these jungles don't make you into घर जमाई, हाँ? अरे सर, उसकी मोहब्बत में तो मैं घर जमाई बनने को भी तैयार हूँ। Thank you.
दीपक सर, ये तो दुश्मन की मोर्टार पोजीशन है। कितने आदमी हैं? मोर्टार पोजीशन में जितने होते हैं नहीं होंगे। ओके सर, एक बात बोलो। हाँ। उस पाकिस्तानी को पेशाब करते हुए देखकर मेरा भी सुसु करने का बड़ा मन कर रहा है। इसका मतलब तेरी खातिर इनको जल्दी मरना पड़ेगा। Yeah. When you gotta go, you gotta go. Let's go then. Let's go. Jack Balwan! This is Alpha. Pass your message over. Sir, sir, we captured the mortar position. But unfortunately, we've lost two men, sir. कुछ जख्मी हो गए और कुछ शहीद हो गए हैं, sir. God damn it. Anyway, you consolidate your positions. अपना कब्जा बनाए रखना. And don't worry, I'll be sending you reinforcements to bring back the wounded and the dead. Over. Yes, sir. We'll check the position, sir. Come back soon, Deepak. I'll be waiting for you. Over. Sir. Over and out. Over and out, sir. Everybody alert. लगता है कोई आ रहा है. शायद दुश्मन ना हो. Take position. ये तो अपने ही आदमी है, लगता है कैजुअलिटीज लेके आ रहे हैं। यादव जी, हाँ, हाल तो बुरा है अपने साथियों का। सबको मॉर्फिन के शॉट्स दे दो। साहब, ना तो दुश्मन नजर आता है, ना ही दुश्मन की ताकत का अंदाजा लग रहा है। आप ही सोचिए, जब वो जवान की आंख में गोली मार सकते हैं तो कितनी अच्छी पोजीशन पे होंगे। What is this? Can't see the enemy, you don't know their position? Madness! आपकी पलटन कितनी दूरी पर है? यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है साहब। Okay. Let's go. Yes, sir. जय हिंद सर। जय हिंद। What is the position, बलवान? सर, 16 ग्रेनेड्स की हालत बहुत खराब है। राम राम साहब। राम राम। आर्टी शेलिंग बहुत हो रही है। हमने कैजुअलिटी से बात की, जिन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं। जी, बहुत बहुत ज्यादा। There is no RT support, sir. Not in city. राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम।
जय हिंद सर। जय हिंद। I believe Thapa, the situation is very bad. Yes, sir. It's very serious, sir. Let's go inside. Come in, sir. Let's prepare for the Tololing attack, sir. साहब, आपकी चिट्ठी आई है। साहब, किरण नेम साहब की चिट्ठी है। पढ़ तो लीजिए। बाद में पढ़ लूंगा हरी सिंह। मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा होगा। यही लिखा होगा कि कुछ दिनों में हमारी शादी की पहली सालगिरह है। पूछ रही होगी कि शादी के सालगिरह पे घर आ रहे हो ना? अब तुम ही बताओ हरी सिंह, इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ? MMG का मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की। सर, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 18 जनवरी की जय, की जय, की जय। अरे सचिन सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, और ऊपर से फॉग बहुत ज्यादा है। और इससे वाकई में सर फॉग कुछ ज्यादा ही है। योगेंद्र सिंह यादव, तुम क्या कहते हो, आगे बढ़े या हम फॉग हटने का इंतजार करें? जैसा आप ठीक समझो साहब। आगे बढ़ते हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बलवान, एक तो दुश्मन और उसके ठिकानों का भी पता नहीं, और ऊपर से ये फॉग, आई थिंक हमें यही इंतजार करना चाहिए। सचिन, कंपनी को विश्राम करने का ऑर्डर दो। सर, कंपनी आराम से। ए सचिन, काहे रे डर लग रहा है? तो जा आइला, डरे मेरे दुश्मन। जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा। यादव जी। जी यादव जी, ठंड बहुत ज्यादा है और स्लीपिंग बैग भी नहीं लाए, इस ससरा गर्मी कहां से लाएंगे भाई? तो आप लड़ने नहीं आए, सोने आए? नहीं भाई, जब कंपनी को विराम का आदेश मिल ही गया है और धुंध भी बहुत ज्यादा है तो सुस्ताने को दिल करता है ना। एक काम करो यादव जी, आंखें खुली रखो और एक झपकी ले लो। जो व्यक्ति खुली आंखों से सपने देखता है वो सपने जरूर पूरे होते हैं यादव जी, और मैं सपना देख रहा हूँ दुश्मनों की माँ का। सारी सारी पर अब्यूजिंग। आखा के मोटा हो गया, दिमाग भी मोटा हो गया क्या? आई गॉट इट। Thank you.
नहीं आ रहा हूँ। Give me cover fire! जी साहब, बलवान साहब को कवर फाड़ दो। कारगिल आने से पहले सीओ साहब ने हमें कहा कि हमारी पलटन का नारा है विजय या वीरगति। अब समय आ गया है दुश्मन पर विजय प्राप्त करने का, और हमारे साथी जो वीरगति प्राप्त कर चुके हैं या इन पहाड़ों में जख्मी पड़े हुए उनका बदला लेने का। कोई शक नहीं था। सर्वदा जिस किसी को भी अपने घर खत भेजना हो वो चिट्ठी लेकर सीओ साहब को दे दें। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा। इशू सर, स्पीक टू योर वाइफ। सर आपकी इजाजत से पहले जवानों को, जो भी अपने घर सैटेलाइट फोन पर बात करना चाहता है आगे बढ़िए। लो अपने अपने घर फोन कर लो जाओ। सर इन केस आई डोंट कम बैक, अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी बेटी का कन्यादान आप कर देना। ए बदमाश चुप कर, अपनी बेटी का कन्यादान तो खुद ही करेगा। एक ही बात है सर, सिर्फ तो किस बात का है कि मैं अपने बीवी बच्चों से बात नहीं कर सका। सर जब जीत कर वापस आएगा तो अपनी बीवी से बात कर लेना। Sachin, sir!
सचिन, सचिन, what is the position? सर, अधिकारी सोमो सर, अधिकारी सोमो सर। Oh shit, मुझे मालूम था, I knew it. और हमारे काफी आदमी जख्मी हैं सर, और काफी मारे जा चुके सर। हट बलवान, बलवान कितनी दूरी पर है? He's 6 to 12 feet away from अधिकारी's body sir. Okay. And he's trying to bring him down sir. ठीक है मुझे, मुझे अधिकारी की body के पास जाना है, cover fire तो। Sir, it's too dangerous for you sir. It's too dangerous for you sir. देखो सचिन, मेरे लिए भी उतना ही dangerous है जितना तुम्हारे लिए है। Okay. Okay sir. Just relax. Just give me cover fire, okay? Okay sir. Okay. Okay. Come on, move, move! Vishwanathan sir, go cover fire. Come on, move, move, move! Vishwanathan sir? Balwan? Rajesh Adhikari ki body kahan hai? थोड़ा आगे जाके इसके वायरलेस ऑपरेटर के पास ही है सर। But we have to retrieve his body. उसकी बॉडी वापस लानी होगी। Negative sir. मैं दो बार जा चुका हूँ, दो बार कोशिश कर चुका हूँ सर। वहाँ से बहुत हैवी फायरिंग हो रही है। I don't care, बलवान। रणवीर सिंह, मुझे कवर फायर देना। जी सर। मुझे उसके पास जाना। No sir, just stay there sir. I think I'm hit. Mujhe. Shit! Balwan! Kya lagi? I'm hit. I got hit. Hey! Hey! Chalao! No! Sab ko niche leke jao! Suno, nahi! Nahi, mujhe niche leke jane mein 7-8 aadmiyon ki zarurat padegi. Hamari battalion ki strength kamzor ho jayegi. Listen to me! Listen to me! You just get those bastards! Captain, tolerate this is a order! Alpha, come in! Alpha, come in! This is Alpha! Pass your message over! Vishwanathan sir ko goli lagi hai! Vishwanathan sir ko goli lagi hai! Mujhe kuch nahi hua, sir! We just want that tolerate, sir! Why did you come up, sir? आपको चांस नहीं लेना चाहिए। Are you all right? Sir, I'm fine, sir. I'm fine. Bring the stretcher. नहीं सर, नहीं सर, सर, सर मुझे नीचे लेके जाने में 8 हफ्ते की जरूरत पड़ेगी। बटालियन कमजोर हो जाएगी सर। बॉय, सर, बस मेरी बात जलासी से करवा दीजिए सर। I want to talk to my wife, sir. Okay. बस sir, I want to talk to my wife. Okay. Thank you, sir. Hello. हेलो जलाजा। हाँ मैं जलाजा बोल रही हूँ। जलाजा, यार टॉक टू विशु। यार हाँ हेलो। हाँ विशु, विशु, विशु मैं जलाजा बोल रही हूँ। विशु, विशु टॉक टू मी, विशु, विशु हेलो, विशु हेलो, विशु टॉक टू मी, विशु हेलो, विशु हेलो हेलो विशु हेलो सपोर्ट चाहिए सर, नीड आरटी सपोर्ट सर। कर्नल ठाकुर, होल्ड योर पोजीशन एंड डोंट मूव फॉरवर्ड। आई डोंट वांट एनी मोर कैजुअल्टीज। आई एम सेंडिंग यू रीइंफोर्समेंट। टू राजपुताना राइफल्स विल बी देयर शॉर्टली, राइट? थैंक यू सर। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। सचिन सर, सचिन सर, टू राज रिफ्स हियर एज रीइंफोर्समेंट। कमांड हमें आरटी सपोर्ट भी दे रही है सर। विशु और राजेश को हम खो चुके हैं। नो मोर कैजुअल्टीज। यस सर। होल्ड ऑन योर पोजीशन। ओके सर। कोई फायर नहीं करेगा, कोई हरकत नहीं करेगा जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती। अड़िए बलवन, तू खास करके गड़क है तुला, आज ये बात क्या करे सर ने? चल
Sir. Colonel. So, the boys of 13 Jack Riff are here. At ease, gentlemen. I was expecting you, Colonel. वैसे आपकी तारीफ और शोहरत तो आपके आगे आगे चल रही है और हमारी फौज में तो लोग कहने लगे हैं इफ यू वांट टू नो यू जस्ट आस्क जो जो भी पूछना है जोशी से पूछो यू आर एम्बैरेसिंग मी सर शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे नो जो नो जोशी सर सिर्फ एक ही नाम है तोलुलिंग वी नो दैट कर्नल नेशनल हाईवे नंबर 1 सर हमारी लाइफलाइन है और उसे बचाने के लिए तोलुलिंग से दुश्मनों को निकालना बहुत जरूरी है सर इनफैक्ट 18 ग्रेनेडियर्स उस पर 4 अटेम्प्ट कर चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव फेल्ड वो इसलिए सर लेट्स गिव देम द ड्यूज ना उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है ना आरटी सपोर्ट था ना उन्हें इंफॉर्मेशन थी दुश्मनों की ताकत का उन्हें रिहर्सल के लिए भी वक्त नहीं मिला था सर बट योर बटालियन सर उन्हें एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त मिला है और आरटी सपोर्ट भी मिली है आई अंडरस्टैंड यू कर्नल लेकिन हमें आरटी सपोर्ट मिले ना मिले एक्लेमेटाइजेशन के लिए वक्त हो ना हो राजपूताना राइफल्स तोलुलिंग पर कब्जा करके रहेगी डू यू नो व्हाई कर्नल क्योंकि हार और फेलियर जैसे शब्द ना राजरिफ की हिस्ट्री में है ना उसकी डिक्शनरी में भगवान करे ऐसा हो सर लेकिन अगर ये काम आपसे ना हो सके तो ये काम 13 जैक राइफल्स को करना पड़ेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं सर दीज आर द ऑर्डर्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स डोंट वरी कर्नल विक्ट्री एंड ग्लोरी विल बी आवर्स आई एम श्योर सर वन वर्ड सर मुझे गलत मत समझिएगा हर जीत को हासिल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है जाने जाएंगी सर ट्राई एंड कीप द काउंट लो क्योंकि जब भी हमारी फौज का कोई बच्चा शहीद होता है वो अपने साथ मेरी जिंदगी का कुछ पल ले जाता है सर यू आर अ सेंटिमेंटल मैन कर्नल दैट्स मी सर जो ऑल द बेस्ट कर्नल थैंक यू सर मूव इट बॉयज ये क्या एक्लेमेटाइजेशन की चक्कर में डाल दिया सीओ साहब ने या तो मारे या मरे काहे को मरने की बात करते हो साहब जी लगता है राजश्री मेम साहब से टेलीफोन पर बातचीत कुछ ठीक से नहीं हुई हाँ फोन किया था मेरी आवाज सुनकर फोन रख दिया और अब तो चिट्ठियों से उसकी रद्दी की टोकरी भी भर गई होगी कमबख्त दुनिया भर को कुनीन और कैस्ट्रोल की गोलियां खिलाती फिरती है और मेरे बाबूजी को दाल चावल तक नहीं खिला सकती और छोड़ने को तैयार ही नहीं थी गंदर नहीं अब तो ये डिवोर्स होके रहेगा नहीं साहब जी मेरा दिल कहता कि आपका राजश्री मेम साहब का घर संसार फिर से बच जाएगा हे रॉबिन भूल जाए सर आई एम रेडी फॉर तोलुलिंग ओके कम ऑन लेट्स गो राइट सर कम कम सिट डाउन थैंक यू सर अरे रॉबिन तुम्हारा नाम विजयंत कैसे पड़ा सर माय फादर वाज पोस्टेड इन पठानकोट वहां मेरा जन्म हुआ कमांडिंग ब्रिगेड ऑफ विजन टैंक्स ऐसे मेरा नाम विजयंत पड़ गया बिहाइंड द टैंक्स हे डोंट माइंड मी गेटिंग पर्सनल ऑफ कोर्स नॉट ताऊ बोलिए हाउ डिड यू मीट शीतल शीतल ताऊ आई मेट हर इन दिल्ली एंड फेल इन लव विद हर लव एट फर्स्ट साइट हां ऐसा ही कुछ था यू वांट टू मैरी ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स से बात हुई अभी नहीं था वो पहले शीतल अपने माँ बाप के दिल में मेरे लिए जगह बनाएगी और जब वो जगह काफी बड़ी हो जाएगी तो मुझे भी अंदर खींच लेगी तुम सच्ची बदमाश हो रॉबिन ताऊ जब आप मुझे रॉबिन बुलाते हो ना तो लगता है कि मैं घर पर बैठा हूं माँ के पास या आने से पहले उनसे मिले सर मिला भी और नहीं भी hmm.
माँ आप लोग कहाँ रह गए थे? ट्रेन छूटने वाली है। हम तुम्हारी फेवरेट मिठाई बेसन के लड्डू और गाजर का हलवा लाने गए थे, बस उसी में देर हो गई। थैंक्स मदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स डैड। रॉबिन मेक मी प्राउड। यस डैड आई विल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डैड। बेटा अपना ख्याल रखना। माँ आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, आप अपना ख्याल रखना ठीक है? ओह ट्रेन चल पड़ी। ओके माँ। गॉड ब्लेस। बाय बाय रॉबिन। बाय बाय रॉबिन। Bye. Bye, Dad. Bye. Bye, Mom. पता नहीं कितनी देर तक वहां पर रुके होंगे। एक वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ पीछे रह गया है। Come on, let's go. Hey, Robin, don't get emotional. It's part of life, okay? Hmm? Okay, Tao. Tao, आपने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताइए, ताई से पहली बार कैसे मिले? बदमाश। बताइए ना Tao, please. बस, I was coming in a train from Madras to Hyderabad. वो मेरी सामने वाली सीट पर बैठी थी, मैंने देखा। कोई खास बात नहीं थी, जैसे आम लड़की होती है। वो मेरे सामने बैठकर स्वेटर बुन रही थी और स्वेटर बुनते बुनते उसने मेरी तरफ देखा और बस मेरे दिल ने कहा यही है वो, यही तो है वो। क्या बात है ताऊ, क्या बात है, रोमांस एट इट्स बेस्ट। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक साल के अंदर अंदर हम दोनों एक हो गए और जल्दी ही एक से तीन। ताऊ ये सब मुझे मालूम है, ताई माँ बनने वाली हैं और आप उन्हें रोज गीता के प्रवचन लिख कर भेजते हैं ताकि वो आने वाले बच्चे को सुना सके। लेकिन वो बात नहीं बताई आपने। क्या वो पहली बार अपने दिल की बात ताई से कही कैसे? हाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हो। हिंदी में या तेलुगु में? तेलुगु में। మీరు నాకు చాలా నచ్చారు. మీరు నాకు చాలా నచ్చారు. వావ్. Colonel Vindran, the situation is very bad and we have to take complete control. Vivek, the troops at present are held up at this position. और यहाँ कहीं पर दुश्मन है। यहाँ से हमारी फौज ने अप्रोच किया and we have lost them. Lots of casualties are there. एक अप्रोच ये बचती है जो बहुत ही स्टीप है। I think we will take this approach, sir. What do you say, Archie? That's right, sir. We have no other choice. You are lucky, Ravindran. You are getting Archie support. I insisted on it, sir. So did I. Thank you, sir. Over and out. So, gentlemen, we move on 12th. The Archie guns, Bofors, are in position. A plan. At 16:45 hours, 120 guns will open up. That is the time we will attack. Sir. C Company will be led by you, Vivek. Sir. Codename Cobra. Yes, sir. The D Company will be led by you, Mohit. Sir. Codename Arjun. And the Commando Platoon will be led by you, Nemo. Codename Bhim. Yes, sir. We'll attack from three sides. Rajputana Rifles is ready to take Tololing.
अचानक मार दिया। क्या हो गया सर? राष्ट्र ने बेवफाई नहीं की, सारी जिंदगी ही बेवफाई कर गई।
Tao! Tao! मैंने उन हरामजादों के बंकर को तबाह कर दिया था। By the time you get this letter, I will be observing you all from the sky. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian army fought for your tomorrow. Best of luck to you all. Yours, Robin. This is Colonel Ravindran. Over. Come in, Colonel Ravi. Over. Sir, second Raj Riff is on Tololing Top. तोलोलिंग पर हमारी जीत पूरी हो चुकी है सा। तोलोलिंग पर तिरंगा लहरा रहा है सा। ओवर। Congratulations, Colonel Ravi. Your battalion has done a great job. Thank you, sir. Over. What happened, Colonel Ravi? You are not happy? खुशी किस बात की सा? We have lost lots of officers and ranks. Over. How many men, Colonel Ravi? Sir, Major Vivek Gupta, Major Acharya, Captain Nemo, and Captain Vijay Thapar. सर तोलोलिंग की जीत का सहरा इन लोगों के सर पर है जो इज क्लोज टू इम्पॉसिबल सर लेकिन इन लोगों ने जीता तोलोलिंग हमारे लिए कर्नल रवि दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर यू एंड योर बॉयज हैव डन अ ग्रेट जॉब वी हैव पेड हेवी प्राइस टू विन तोलोलिंग ओवर एंड आउट सर Jaldi
Jain, sir. Our base camp is ready, sir. Right. Let's go. Sir. Ram Ram, sir. Ram Ram. Ram Ram, sir. Ram Ram. Sit down, gentlemen. Gentlemen, I have good news for you. We are soon going to see action. Badla. Dushmano se badla. Yes! Our first task is Rocky Knob. Isiliye hame kaha gaya hai ki Rocky Knob par kabza karke dushman ki taakat ko kam karna hai. Bhaskar, you will lead Alpha Company. Sir. I'm sorry. मैं आप लोगों को अपने कोड्स देना भूल गया. भास्कर या खलीफा. सर. मेजर विकास बोरा या नेपोलियन. सर. अजय जसरोटिया इब्राहिम. सर. संजीव जामवाल संग्राम. सर. विक्रम बत्रा या शेरशाह. सर. एंड डॉक्टर राजेश या चारक. सर. एंड माय पर्सनल कोड इज चाणक्य. खलीफा, यू लीड अल्फा कंपनी. राइट सर. नेपोलियन, यू लीड चार्ली कंपनी. सर. Sangram and Shershah, you remain with Bravo and Delta at Firebase, giving support to Alpha and Charlie. Sir. And I will back up with Phaget Missile. Any questions? No, sir. Ram Ram, Ram sir. Ram Ram, Ram Ram. Sab theek hai na? Haan, sir. Sab theek hai. Haan. Ram Ram, sir. Ram Ram. Hello, sir. Hi, Vicky. Aao, Vicky, aao. Come on, boys. Let's go. चलते हैं जैसी सर. दो पल जरा बैठ तो जाओ. जाने मिल बैठना फिर कब नसीब हो. नसीब हो भी कि नहीं क्या पता. ए, ये तुम्हें क्या हो गया जिमी. ये दिल तोड़ने की बात तुम्हारी मुझसे अच्छी नहीं लगती. अरे तुम मिल बैठने की बात करते हो. हम तीनों बैठ के जश्न मनाएंगे. जश्न. हाँ यार जश्न तो होगा ही. एक तो जीत की खुशी का और दूसरा वो तेरी मैडम क्या नाम है उसका. ट्विंकल का मिसेस विक्रम बत्रा हो जाना. और फिर बारात के आगे आगे मेरा नाच कर थक जाना और फिर जाम उठाना और जाम से जाम टकराना मिस्टर एंड मिसेस विक्रम बत्रा के नाम. चीयर्स. वाह बातों बातों में मुझे उम्र कैद की सजा भी सुना दी. आपकी मेम सब का नाम क्या था. छोड़ना विकी. वंदना है ना. यार विकी नाम छोड़ काम की बात कर. भाई इसकी घोड़ी के आगे तो हमें भी नाचना पड़ेगा. सर आप आएंगे मेरी शादी में. आऊंगा. अरे यार तेरी बारात मेरे फार्म हाउस से तो निकलेगी. थैंक यू सर. अच्छा अच्छा होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट. हम दोनों की शादी भी हो गई. हाँ. नाच नाच के हम थक गए. जाम भी टकरा गया और नशा भी छा गया. पर आपका क्या होगा सर. हाँ सर मेरा क्या होना यार. अपना तो वही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. अच्छा जी अब हम बेगाने भी हो गए. अरे यार तू भी बाल की खाल निकाल दो. सर माफी मांगिए. चलिए माफी मांगिए. हाँ भाई मांगूंगा माफी लेकिन नशा तो उतरने दो. राम राम साहब. बैठो बैठो. क्या बात है संजय. तुम्हें पहले कभी इतना उदास नहीं देखा. मैंने भी अपने आप को कभी इस हालत में नहीं देखा साहब जी. घर से चिट्ठी ऐसी आई है. अच्छा क्या लिखा है. लंबी कथा क्या सुना साहब जी. बस यू समझ लीजिए घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ. तो कुछ नहीं साहब जी. घर वालों को चिंता है. कारगिल की खबरें उन तक रोज पहुँचती हैं. सोच रहे होंगे अगर संजय कुमार को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा. दोस्त कभी सुना नहीं है. जब दांत ना थे तब दूध दियो और जब दांत दिए तो अन्न ना देगा. संजय डोंट वरी हम दोनों जिंदा लौटेंगे और फिर एक परिवार क्या 40 होने दो. हर एक मुंह में अन्न पानी होगा. मेरा एक ही परिवार ठीक है साहब जी. अच्छा ठीक है तुम एक के बारे में सोचो. मैं तो 40 के बारे में सोचूंगा. आप 40 गोल मारेंगे साहब जी. अभी तक कितने मारे आपने. ए राइफलमैन संजय कुमार तुम एक ऑफिसर से बात करो. हद में रहो. ओके. इतनी भारी शेलिंग लगता है पूरी बैटालियन का अटैक है. हमने इनकी दो पेट्रोल पार्टी क्या उड़ा दी. पूरी हिंदुस्तानी फौज पागल हो रही है.
बोलो दुर्गा माता की जय। काने फक्त स्प्लिंटर लागला तुला, डोंट वरी। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। कहतेरी बोलो नकोस। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरना नहीं। जैक, जैक तब तक, हाँ, I don't want to die like this। जैक, तुला कहीं नहीं उड़ा जैक, काजी करो नको, गाबर नकोस, मिया, जैक, अजय। खलीफा चाणक्य, खलीफा चाणक्य का मैन। दिस इज चाणक्य, पास योर मैसेज ओवर। सर, we have captured Rocky Knob, sir. Ab Rocky Knob hamare kabze mein hai, sir. But sir, there's a bad news. We lost a few men and Major Ajay Jasrotiya is not anymore, sir. Ajay hamare beech mein nahi hai, sir. Over and out. अजय जसरोटिया की मौत खाली नहीं जाएगी। संग्राम, शेरचा, सर, तुम अजय के नजदीक थे ना, तो तुम दोनों को प्रूव करना है कि दोस्त मर सकता है लेकिन दोस्ती नहीं। बाय कैप्चरिंग पॉइंट 514 जिस जगह वो बास्टर्स भाग के गए हैं। शेरचा, सर, तुम डी कंपनी की कमांड संभालोगे। संग्राम, सर, तुम बी कंपनी की कमांड संभालोगे। टास्क इज कैप्चरिंग ऑफ पॉइंट 5140। तुम जीत के आओगे इस बात का रत्ती भर भी शक नहीं मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग जीत का सिग्नल मुझे वहीं से दो। क्या सिग्नल रहेगा आपका? सर, मेरा सिग्नल होगा ओ या या या। कोई खास बात? सर, एनडीए के दिनों में ये मेरी स्क्वाड्रन का सिग्नल था सर। शेरशाह, तुम्हारा? ये दिल मांगे मौ सर। ओह गॉड, विक्रम, नॉट अगेन। 5140 पर तो चढ़ाई चढ़ाई है भाई। अरे 5140 तो हम जीत ही लेंगे।
फौजी है ये हमारा काम है, लेकिन इस बार सारे देश को साबित करना है कि हिंदुस्तानी फौजी सिर्फ जंग के मैदान में सबसे आगे नहीं है बल्कि खेल कूद में भी सबसे आगे है। इस बार नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हमारी फौज की उम्मीदें आप पर होगी भैया, क्यों? हाँ मेयर सिंह, तुम हमारी टीम के सबसे अच्छे प्लेयर हो। कोशिश तो पूरी करूंगा, दुर्गा माता की मर्जी होगी तो जीत हमारी ही टीम की। कामयाब हुए। गुड, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आर्यन फायर करो। दुर्गा माता की जय। ये विक्रम बत्रा का विक्ट्री कॉल क्यों नहीं है? चाणक्या, ये दिल मांगे मोर। चाणक्या, रिपीट, ये दिल मांगे मोर। Any casualties? The good news is, no casualties, चाणक्या। शेरशाह out. हम लोगों ने जीत हासिल कर ली है। दुर्गा माता की जय।
many more to come, Vicky. Thank you, sir. मुबारक हो साहब जी, 5140 जीतकर आप लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गए। ऐसे ही गोल मारते रहेंगे तो जल्दी जनरल बन जाएंगे। थैंक यू संजय कुमार जी। लेकिन एक बात है साहब जी, जब आप जनरल बनकर 5-स्टार गाड़ी में घूमेंगे तो सड़क पर चलने वाले इस मामूली सिपाही को मत भूलिएगा। संजय, सिर्फ जनरल, ये दिल मांगे मौन। ठीक है साहब जी, चीफ ऑफ आर्मी साहब जी। ये दिल मांगे मौर, इससे आगे क्या है साहब जी? है रिश्ता, दोस्ती का। संजय, मैं कितना भी ऊपर चला जाऊं, अगर इस दोस्त विक्रम पत्र को कभी मत भूलना। ये वादा तुम करो मुझसे। नहीं बोलूंगा साहब जी। गुड, नहीं बोलूंगा। कर्नल ठाकुर, देयर इज अ चांस टू ब्रिंग ग्लोरी टू 18 ग्रेनेडियर्स। आई एम असाइनिंग योर बटालियन टू कैप्चर टाइगर हिल। डू वेल। Thank you, sir. Over and out. Over and out. We have been assigned to capture Tiger Hill. 18 grenadiers ko Tiger Hill par kabza karne ka zimma mila hai. Can I depend on you? Tiger Hill will be won, sir. It's a promise. You can depend on us, sir. Hum aapko vachan dete hain, sahab. Apni jaan dekar bhi hum tirange ko Tiger Hill par phehra ke rahenge. Hum apni jaan kyun denge? हम उन हरामजादों की जान छाती से निकालकर टाइगर हिल पर कब्जा करेंगे। 18 ग्रेनेडियर्स सर्वदा शक्तिशाली। राम राम साहब। राम राम। Sorry sir, I mean once you shoot him, that's it. Well said, well said. Captain Shashi Bhushan Gildial reporting, sir. Major Deepak, nice to meet you, Captain. Nice to meet you, sir. मुझे आप ही का इंतजार था। Are the artillery in position? Yes, sir. They're all in position. Us, aapke orders ka intezar hai. Whenever you guys are ready to attack the Pimple complex, our guns will be ready to give you full support, sir. Good. By the way, this is Captain Anuj. Captain. Welcome, Captain. Jangu. Captain. Major Ritesh. Pleased to meet you, sir. Please sit. 4 hours ki journey ke baad kafi thak gaye honge. Thank you, sir. Gentlemen, he's our forward observation officer, providing us with artillery fire on enemy position. नेपोलियन ने कहा था, गॉड इज विद दोस पीपल हुव गॉट द बिगेस्ट कैनन्स। भगवान उन फौजों के साथ हैं जिनके पास सबसे बड़ी तोपें हैं, और हमारे पास तो बोफोर्स हैं और साथ में कैप्टन शशि भूषण। थैंक यू सर। और जीत हमारी होगी जंग में, क्यों कैप्टन? आपने बिल्कुल सही कहा सर, द बोफोर्स इज अ प्रीटी डैम गुड गन। कॉन्ट्रोवर्सी और नो कॉन्ट्रोवर्सी, दिस गन विल विन द वॉर फॉर अस। जीत हमारी होगी जनमन। क्या सोच रहे हो यादव जी? कितने साल की बेटी है तेरी? 8। शादी हुए कितने साल हो गए? 10। सारे जब दाएं बाएं से बुलेट निकलती है तो किसकी याद आती है? घरवाले की याद आती है ना? ऐसा है यादव जी कि जब आप मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जिंदगी साला ज्यादा जोर से याद आता है। जिंदगी ज्यादा जोर से याद आती है, तेरे शेर की सबसे ज्यादा जोर से याद आती है। वो कहते हैं हमसे कि तुम मुझे याद नहीं करते, मैं कहता हूँ कि तू जाए तो तेरी याद आए। पुसली यहाँ से जाती ही नहीं है तो याद कहाँ से आएगी? सॉरी यादव जी, इस साला टाइगर को मारने के लिए इतना बड़ा बंदूक? बंदूक नहीं है साड़े, वो फोर्स तो है, वो फोर्स। मैं कहीं भी रहूं
कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी मेरे दिल में बसी तेरी याद है। मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी Gentlemen, sir, this is the final assault plan. 17 Jat takes 3 Pimple. 13 JNK takes 4875. 1/11 Gurkha takes Kalubar. 18 Grenadiers
takes Tiger Hill. God willing, victory will be ours. Satyameva Jayate. 11 GR के ऑफिसर साहिबान, JCO साहब और बहादुर जवानों, फौज का कोई भी अफसर उतना ही बड़ा होता है जितनी कि उसकी पलटन। कुकर थांग की जीत में जो बहादुरी और सुजात आप लोगों ने और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने दिखाई, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अब हमारी पलटन का सर और भी ऊंचा करने का समय आ गया है। हमें खालूबार को कैप्चर करने का टास्क मिला है। 22 ग्रेनेडियर्स वहां फंसे हुए हैं, उनके पास वक्त बहुत कम है। अगर हम जल्द से जल्द वहां नहीं पहुंचे तो उन सबको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। देर ऑल बी स्पॉटेड। सूरज डूबते ही हम खालूबार को मूव करेंगे। कोई शक नहीं सर। हमारा अटैक प्लान ये होगा, हमें सबसे पहले यह नदी पार करनी पड़ेगी। हिंदुस्तानी फौज नदी क्रॉस कर रही है, आर्टिलरी फायर शुरू करवाओ। ईटी 456 फायर। यहां थोड़ी देर आराम करेंगे फिर मूव करेंगे। रिलैक्स। गोली मारने की कोशिश किया साहब जी। क्यों? देबू तो नदी में फेंक गया साहब जी, शरीर में। वो उसकी बहन का आदमी था साहब जी। मलाई बस जाना छोड़ दे, दिलीप मलाई छोड़ दे, प्रवीण मलाई छोड़ दे, छोड़ दे। सुन छोड़ दे। सुन जी साहब। सुन जी साहब। मैं तेरे दुख को समझता हूँ लेकिन तुम एक बहादुर गुरखा हो, मरना है तो मर के मर। देबू की मौत का बदला ले, उस बहन दुश्मन को मार जिसने तेरी बहन को विधवा बनाया। चल पकड़ बंदूक और दुश्मन पर चला, अपने आप पर नहीं। कोई शक? कोई शक? कोई शक नहीं साहब। गो। मनोज सर, ऑल सेटल्ड? यस सर। यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी वेल आई मस्ट से। थैंक यू सर। बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ कंपनी को मोटिवेट किया दुश्मन के खिलाफ। सर काके कमाल कर देता ही। डोंट माइंड सर, लेकिन आप पंजाबी बोल रहे हैं, आप पंजाबी तो नहीं है? पंजाबी नहीं हुआ तो क्या हुआ, पंजाबियों का जवाई तो हूं। ओके सर, तो मेम साहब पंजाबी हैं? बिल्कुल, और मेरी दो बच्चियां भी हैं, बड़ी प्यारी पंजाबी बोल लेती हैं। आपको बहुत याद आती होगी उनकी। Sit down, Manoj. Please sit down. Thank you, sir. ऐसे में कौन याद आएगा मनोज, या तो भगवान या फिर घर वाले। अच्छा तुम किसे याद करते हो मनोज? अपनी अम्मा को सर, लेकिन इस वक्त दिमाग में सिर्फ खालूबार, खालूबार जीतना है सर। जीत का नशा आया तुम्हें मनोज? पहले कुकर थांग जीता, उसके बाद जुब्बार, और अब खालूबार की बारी है। You're right, sir. Permanent नशा। And what if we lose? अगर हम हार गए तो? Sir, some goals are so worthy, it's glorious even to fail. Well said.
थैंक यू सर। सर मे आई कम इन प्लीज? यस अनुज कम इन। सर विल यू प्लीज डू मी अ फेवर सर? यस ऑफ कोर्स। ये सब क्या है सर? प्लीज आप ये अंगूठी रख लीजिए, मेरी मंगेतर ने मुझे दी थी। अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज उसे लौटा दीजिएगा। क्या बकवास कर रहे हो? डोंट से ऑल दिस। तुम वापस आओगे और जीत कर आओगे। भगवान करे ऐसा ही हो सर, मगर फिर भी आप ये अंगूठी रख लीजिए। मोहब्बत की अमानत बहुत भारी होती है सर, इसका वजन उठाकर मैं मर नहीं पाऊंगा। हेलो अनुज। और कौन हो सकता है? आई एम प्राउड ऑफ यू अनुज, तुम्हारे और तुम्हारी बटालियन की चर्चे हैं। Yes, I know. We have 1.4540. अब तो तुम वापस आ रहे हो ना? बस 0.4875 कैप्चर करके मैं वापस आ जाऊंगा। ये तुम्हारी कमबख्त पॉइंट्स कब खत्म होंगे? अच्छा सुनो। हाँ बोलो। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम किसी और से। बकवास बंद करो। Listen, take it easy. Take it easy, Simran. Be realistic. This is war. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास engagement ring है ना? हाँ है। बस वही तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हें मेरे पास सहरा बांध के ले आएगी। Okay, love. जैसा तुम कहो। हेलो हेलो कमाल है, हमेशा पटर पटर करने वाली आज बिल्कुल चुप है। कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? I don't know. बाय बाय, टाटा, या फिर अपनी पंजाबी में चंगा जी भैर। हाँ? जब दिल दिल से बात करता है तो होठों को चुप रहना चाहिए। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगी। जिंदगी के पल ही शायरी को जन्म देते हैं। अनुज, we are ready to leave. Well, that's it. सुनो, तुम्हें बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते। इस बार जरूर देखना, वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी। हाँ देखूंगा, मगर एक शर्त पर। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी कभी पलट कर मत देखना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ले, तू मुझे समझाई नहीं। लेफ्टिनेंट अनुज नायर, जिंदगी से हाथ छोड़ाना मुमकिन है लेकिन सिमरन से नहीं। आई लव यू। हेमा, हेमा, देख शायद भैया जी का फोन है। हेलो 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 अम्मा, अम्मा मनोज। अरे भैया जी, सच में भैया जी बोले हैं? भैया जी, हमारा तो दिल खुश हो गया भैया जी। अम्मा मेरा मन कह रहा था कि तू ही फोन उठाएगी आज। अरे भैया जी, कहाँ फोन की बात बताई तुम्हें, आकर लगा गए 10 दिन में। बोले मुन्ना जी फौज में बहुत बड़ा अफसर है, ऊके कर तो फोन होना ही चाहिए है? अरे कल 8-10 दिन बाद जब घंटी बजी तो बोले मिठाई खिलाओ अम्मा जी, मिठाई खिलाओ। हम कहा हाँ मिठाई जरूर खिलाई दे, हमारा भैया वापस आ जाए हम जरूर मिठाई खिलाई दे। लेकिन भैया जी आज तो हर फोन आ गया, आज तो हम जरूर मिठाई खिलाई दे, बुला के मिठाई खिलाई दे। छोड़ना अम्मा, मैंने उन सब के लिए फोन नहीं किया। तू बता तू कैसी है? हम तो ठीक है भैया जी, तू कैसा है? क्या करे भैया जी, ओए
अखबार वाले टीवी वाले बहुत परेशान किए हैं, बोले हैं जहां तू है और खून की होली हो है। क्या भैया जी, बहुत बच्चे मर गए क्या? अम्मा, तू मेरी माँ की ऐसी बात करती है? ये अखबार और टीवी वाले तो दुनिया को डरा के पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक। आए भैया जी, ई का आवाज थी? अब अम्मा, वो सावन का महीना है ना, बादल तो गरजेंगे ही। हाँ? तुम बाबूजी को फोन दो। बाबूजी तो रे बाहर गए हैं रीडिंग रूम में, अखबार पढ़ते रहते हैं तोरी और तोरी पलटन की खबर के लिए। बाद में फोन कर लेना। कोशिश करूंगा अम्मा, शायद ये मेरा आखिरी फोन हो। आखिरी फोन है? ऐसी बात क्यों कहे हैं भैया जी? मेरा मतलब है अम्मा, ये बैटरी वाला फोन है ना, बैटरी खत्म हो सकती है। अच्छा ऐसा है, अच्छा तो ले हेमा से बात कर ले। हेमा, वो वहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सारा दिन हमार सेवा करे है, तेरे कमरे में रहे या हमारे साथ रहे है, इले बात कर। हेलो, कैसे हो? हेमा जी, माँ का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। हेलो 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 हेलो, तैयारी हो गई सारी जाने की? सब रख लिया? टूथब्रश, कंघी, दाढ़ी का सामान, पैंट शर्ट, स्वेटर, देखो सब गिन कर ले जाना और वापसी में गिन कर ले आना, कुछ गुम नहीं कर देना। और हाँ, वहाँ बर्फ में अपनी हीरोगिरी मत दिखाना, ठंड खा गई तो सारी हीरोगिरी बाहर निकल जाएगी। वहाँ ना माजी होगी ना हेमा, कोई पूछने वाला ना होगा। चिट्ठी लिखोगे ना? नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी चिट्ठी बर्फ जैसी ठंडी होती है। बस बस कर अपना ड्रामा, मैं निकल रहा हूं, तू स्टेशन मत आना। क्यों? क्योंकि मैं तेरे दिल की हालत तुझसे बेहतर जानता हूं। हां, कि सबके सामने आंसू टपकाएगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? भाई, मैं भी अपना नाम जानता हूँ, कुछ आगे भी बोलोगी? पता है मैंने तुम्हें कल देखा। कहाँ? अरे टीवी पर, उसके साथ क्या बुलाते हैं उसे, वही बरखा, बरखा दत्त, तुम बातें कर रहे थे उससे। हाँ, 0.5140 जीतने के बाद हम नीचे आए थे। हाँ हाँ, जब भी तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, खास करके वो बरखा ऐसे खुश हो रही थी जैसे मेरी नहीं उसकी शादी होने वाली है तुमसे। मिठू,
आज तक मैं समझता था कि तुम आधी पागल हो, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम आधी नहीं पूरी पागल हो। हाँ हाँ पूरी ही सही, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने खुश नहीं लग रहे थे। खुशी तो था। मिठू की आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वो भी विकी के बारे में। तुम ठीक कहती हो, लड़ाई में हर जीत की कीमत चुकानी पड़ती है। I just lost a dear friend, Major Jasrotia, और हमारी बटालियन की काफी जवान शहीद हो गए। I'm sorry, Vicky. I'm really sorry. It's part of the game. लेकिन वो सचमुच बहुत ही प्यारा था। पता है उसने वादा किया था कि वो हमारी शादी में आएगा और घोड़ी के सामने नाचेगा। जी करता है उड़कर आ जाऊं और तुम्हारी सारी दुख बांट लूं। तुम तो हमेशा मेरे साथ मिठो। अब तो तुम छुट्टी आ रहे हो ना? अप्लाई तो किया है पर छुट्टी के लिए नहीं, 0.4875 पे जाने के लिए। व्हाट, आर यू क्रेजी? ये दिल मांगे मोर। मोर के बच्चे, कभी मेरा भी सोचा है कि मुझ पर क्या गुजर रही है? डोंट वरी, आई विल कम बैक सून। मैं वापस आऊंगा, और अगर नहीं आ सका तो देन प्रॉमिस मी तुम मुड़ के पीछे नहीं देखोगी। यू विल नेवर एवर लुक बैक। विकी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक पल हंसाते हो और दूसरी पर रुला देते हो। इसी धूप छांव के खेल का नाम जिंदगी है मिट्टू। ओए फिलोसोफर, मुझे भाषा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ विकी चाहिए। विकी विकी विकी। ओके मिट्टू, आई लव यू। टेक केयर, और हीरोगिरी ज्यादा मत करना, फोन करना मुझे। अपना ख्याल रखना। रॉजर, ओवर एंड आउट। विकी विकी, लिसन। I'm insecure about you. डरता हूँ कहीं तुम्हें खो ना दूँ। विकी तुम जा रहे हो ना, इसलिए सेंटिमेंटल हो रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर हमारी शादी हो जाती तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मगर तुम जानते हो ना, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। आप क्या सोच रहे हो? एक रास्ता है। अगर तुम ये ना भी करते तो भी मैं हमेशा तुम्हारी ही रहती। चलता हूं। करो मुश्किल मेरी, चाहूं ना चाहूं मुझको जाना ही होगा। पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं रोकते हैं। Oh,
करो मुश्किल मेरी, चाहूं ना चाहूं मुझको जाना ही होगा। पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं टोकते हैं। जाने का गम है मुझको भी, इस गम को लेकिन पहलाना ही होगा। पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई चाहता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं टोकते हैं। आग है दिल में लगी, कुछ दिन तो उस पे काबू पाना ही होगा। पिया मेरे तन मन, मेरे प्यार के बंधन, दो पल तुम्हें रोकते हैं। कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं टोकते हैं। प्यार भरा आज शाम की गाड़ी से जाना। ये क्या बात हुई, कल हमारा जन्मदिन है और तुम चल दिए। एक दिन रुक जाओ ना। आई एम सॉरी, ऑर्डर इज एन ऑर्डर। अगर तुम गए तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, और आज के बाद हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ। एमा, आएंगे फिर से ये मिलन के, फिर आएगा
कैसी है तुमने कही सावन में तो मुझको आना ही होगा पिया मेरे तन मन मेरे प्यार के बंधन दो पल तुम्हें रोकते हैं कोई जाता हो तो पीछे से उसको ऐसे नहीं टोकते हैं प्यार भरा गीत कोई देखो पिया तुमको गाना ही होगा विक्रम जल्दी आना या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा वाचा लाऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर जेंटलमैन साथियों जीत हमारी होगी भगवान हमारे साथ है जाट बलवान जय जाट बलवान जय
अपनी बीवी की ट्रेजेडी के बारे में कुछ मत सोचना, सोचना दुश्मन के बारे में। गॉड बी विद यू। जी सर। डोंट फॉरगेट द बोफोर्स, योर आर्टी सपोर्ट विल हेल्प अस विन द वॉर। यस सर। गॉड बी विद यू। थैंक यू सर। सर दीपक, जिस जोश से तुम छुट्टी छोड़कर आए थे ना, उसी जोश से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। I'm depending on you. I won't let you down, sir. God be with you, Deepak. Thank you, sir. Take care of the boys. Yes, sir. I know Anuj will be watching your back. इसकी नजर नहीं हटेगी तुम पर से। तुम भी अपनी नजर इस पर से मत हटाना। ये वक्त है दोस्ती और रिश्तों को भुला देने का। सिर्फ याद रखना, दुश्मन। Yes, sir. God be with you. Thank you, sir. अनुज, तुमने जो अपनी मंगेतर की अंगूठी मुझे दी थी, वो तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी अमानत रहेगी। वापस आओगे, खुद अपने हाथों से पहन लेना। Yes, sir. Promise me that. Promises are made in heaven, sir. This is heaven, a country. God bless you. Thank you, sir. Battalion! Sir! Battalion! Sir! Sir! Select! Inter! साहब। जय हिंद। तुम्हारी कंपनी की लोकेशन कहाँ है? हमारी कंपनी की लोकेशन तक जाने में एक घंटा लगेगा श्रीमान। हमें जल्दी से अपनी कंपनी की लोकेशन पे ले चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज उगने से पहले हमें अटैक करना होगा। चलो। लगता है हिंदुस्तानी फौज आगे बढ़ रही है। इनोवेशन राउंड फायर करो। आर्टिलरी फायर शुरू करवाओ। ईटी 456 फायर। श्रीमान, हम गलत रास्ते से आ गए हैं। कंपनी तो नीचे है। वेरी मच सर, आप लोग हमारी अधमरी पलटन के लिए हमारे धारा बनकर आए हैं सर। आप बताइए, अब पोजीशन क्या है? पोजीशन अच्छी नहीं है सर, पर हो सकती थी अगर पाकिस्तानी को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल जाती। इन्हीं बंकरों के पीछे उनका हेलीपैड है सर, और वहीं से उनकी कुमक आ गई। आपने अटैक तो किया था ना? शाबाश हमारे जीएसी और जाकिर हुसैन, जिन्होंने हमें यह आइडिया दिया, और हमारे जवान सर पर ग्रीन पटका बांधकर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने समझा कि हमारे और भी साथी आ गए। उन्होंने हाथ देकर ऊपर खींच लिया, सिर्फ सिर्फ बैनर और गोली खाने के लिए सर। इतना ही नहीं सर, हमारे जवानों के पास जब ग्रीन कपड़ा कम पड़ गया, तो उन्होंने तिरंगे में से ग्रीन कपड़ा फाड़कर सर पे पटका बांध दिया सर। That's wonderful. बस ये पाकिस्तानी यही नहीं समझते कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, जो एक हिंदुस्तानी पहले और मुसलमान बाद में।
वाह जाकिर हुसैन, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। कोई हरकत नहीं करेगा, नीचे बैठ जाओ। रांझा टू बेस रांझा पासी और मैसेज ओवर। मेरी हीर को भेज दो सर, मेरी हीर को भेज दो सर, ओवर। आ गई आपकी हीर, आ गई। प्लान, तुम घातक सेक्शन को लेकर रस्सी के सहारे टाइगर हिल टॉप पर पहुंचो। पीछे से टेक देम बाय सरप्राइज। गणेश जी साहब, मैं प्लेटून को लेकर साउथ की तरफ से पहुंचता हूं। जैसा आपको साहब। चलो योगिंदर। चलिए यादव जी। योगिंदर जी, गुड लक। आपको भी साहब, अपना ख्याल रखना साहब। Just get the bastards!
been hit twice, sir. Heart pe aur shoulder. Shit! Call the switcher! Switcher, mangao! Switchers! Who switches, sir? Usme bahut aadmi lag jayenge. Main base camp apne aap chal ke chala jaunga. That's like a 17 chart. Aur tum ek aadmi le jao protection ke liye. Jangu, sir. आपने कहा था आई एम गोइंग टू बी सराउंडेड बाय जंगूज ऑल माय लाइफ और इतनी जल्दी छोड़ के जा रहे हो ओके आस्ते आस्ते वापस नहीं जाऊंगा दिस इज नो टाइम फॉर जोक्स आई नो लेट हिम गो ओके जल्दी चले जाओ लेट्स गो सर वरना तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा गो मैन गो कम ऑन गो विद हिम कम ऑन मूव 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 कैप्टन शशि सर यू टेक इट कम ऑन सर यस सर अदर शॉट Kill all them off, Mike Alpha, message over. Message received, over. Don Romeo, 469929. Hotel 102, Oscar Tango, 162, target. What is the target? Over. Target 3, Pimple, 1 gun, fire. Good shot, brother. Now that's those bastards. All guns open, fire. दीपक सर हाँ मौत और मोहब्बत का करीब का रिश्ता होता है क्या What? अभी अभी एक गोली मेरे कान के पास से गुजरी जिससे मौत छूकर निकल गई सारा बदन सर से पांव तक कांप गया है जैसे पहली बार मेरी मोहब्बत का दुपट्टा मुझे छूकर गुजरा था ऐसे पागल आशिक नहीं देखे मौत के सामने खड़े हुए और अपनी मासूक याद आ रही है yes, sir. I agree with you. इनकी बहन को मारो। Thanks sir. लगता है इन बहन के साथ फायर फाइट करते करते सुबह हो जाएगी। अरे चलो। चलो। संभल गए। संभल गए। मेरे सर पे नाक संभल के आ तुझे संभल लो तू मैं आपको संभाल संभल के संभल के आ तुझे Yeah.
बंसी वाले की जय। ये गधा रावलपिंडी। ये गया कलराज जी, यादव जी, आजा आजा, रुक जा यादव जी, यादव जी। This is P-91 जलालू, over। जलालू, पाकिस्तानी reinforcement counter attack के लिए निकल चुकी है, over। रीइन्फोर्समेंट लाएंगे साले, मार दिया है पुलिस सालों ने। यादव जी आ गया मैं, ये रुक यादव जी, इनके एक एक की मार। यादव जी, यादव जी सब नीचे चलते हैं। यादव जी, यादव जी, विजय या वीर गति यादव जी वंदे मातरम। ये गया लाहौर। मेरे साथ लाओ अपनी रीइन्फोर्समेंट। रेन यादव जी, मैं साहब को लेके आता हूँ। रीइन्फोर्समेंट लाएंगे साले, मैं अपने साथियों को लेके आता हूँ। सुबह हो गई है, रात का इंतजार करते हैं। राइट सर। टर्मिनल के पास पास। सर, इसी वक्त का तो इंतजार था। रात तक ये लोग रीइन्फोर्स हो जाएंगे। अभी बोफोर्स ने तितर बितर कर दिया है। I say let's take them now. No, Anuj. दिन के वक्त बहुत कैजुअलिटीज होगी। I can't give the orders now. I'm sorry, sir. I can't wait. Cover me. Anuj! Anuj, come back! It's my order! Anuj! Come on, cover me. Yes, sir. No, sir! सर, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ देखा है। मेरी लाइफलाइन बहुत लंबी है, मुझे कुछ नहीं होगा। अनुज, हम सनसेट का इंतजार करते हैं। राइट सर। इनकी मां का गोली मार दी मालक। मैं सेक्शन के सारे बंदे मारे गए। यादव जी शहीद हो गए। वो हरामी पाकिस्तानी काउंटर अटैक करने वाले सब। आराम से, आराम से, आराम से। सब जी टाइगर हिल छोड़ना नहीं है, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वो अरमजादों को भगाना है सर। साहब जी, मुझे पीछे नहीं छोड़ना।
मैं भी जाऊंगा आपके साथ। स्ट्रेचर लाओ। मैं जाऊंगा सर, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा सर। उठाओ उसका, उठाओ उठाओ। Come on. साहब जी संभाल के, ध्यान से साहब जी। सुरेंद्र सिंह। कुछ नहीं होगा, मेरे पिताजी गलत नहीं हो सकते। I'm not gonna die. और फिर अगर मैं मर भी गया ना, तो वो जो मेरी मंगेतर है, वो मुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। अनुज, don't die on me. अनुज, don't die on me. दीपक सर, अनुज 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 बात करना चाहते। हेलो दीपक, 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 कम ऑन, दीपक। हेलो दीपक, हेलो दीपक, कैन यू हियर मी? दीपक, टेल मी, दीपक, टॉक टू मी, कैन यू हियर मी? कम ऑन, दीपक, कम ऑन, कम ऑन, दीपक, दीपक, कम ऑन, टॉक टू मी। जब तक वो बैंक बंकर एरिया हमारे कब्जे में नहीं आ जाता, शराब
तब तक हमारी पठानी का अटैक उस कारोबार टॉप पे कामयाब नहीं हो सकता और मुझे भी चाहिए आई वांट इट नाउ आई वांट इट बास्टर्ड नाउ आई वॉलंटियर्स आई विल डू इट आई वांट योर ऑर्डर्स गो नाउ मनोज गो नाउ एंड डम बैंग सेक्शन ऑफिसर बी बहादुर एंड 5 प्लैटून फॉलो मी ईशा जी प्लैटून चलो गन पोजीशन का लोकेशन भी दिखाई नहीं देता सुबह होने से पहले हमारा अटैक पूरा होने से साहब जी वरना उन हराम जादों को हमारी सारी हरकत दिखाई देगी और कैजुअल भी बढ़ता जाएगा साहब जी जब तक इनकी गन पोजीशन और लोकेशन का पता नहीं चलेगा कैजुअलिटीज सुबह से भी बढ़ेंगी और वो पता करने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा सुबह हो भी जाएगी साहब जी तो गन पोजीशन और लोकेशन का पता कैसे चलेगा साहब जी आई हैव अ प्लान अपना पोजीशन मारने जब तक सवेरा हो लेना रेस्क्यू करो ही हैज मैनेज्ड टू कैप्चर वन बंकर लेकिन इस वक्त वो दुश्मनों से घिरा हुआ है एंड ही हैज नो रेशन एंड नो एमिनेशन ओके विल यू गो सुबह होने वाली है आई गो नाउ गुड गो गो लड्डू चलो Ah!
तू कर थांग में कितने मारे थे तेरे, याद है ना? और मैंने कितने मारे थे याद है मारे? तू कर थांग तो छीन लिया, अब ये छीन ले आया हूँ। अरे काफी की जात, किस बिल में छुपा है तू? बाहर निकल, मरने आया है ना तू? बाहर निकल। मरने आया हूँ या मारने आया ये तो बाहर आके तुझे बताता हूँ। तेरा कफन तैयार किया है मेरे भाई। आवाज आ रही है ना? ठुकरी तेज कर रहा तेरी गर्दन काट। मनोज पांडे से छुपने की जगह ढूंढ ले, वरना पाकिस्तान में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बाहर जाकर दुश्मन का पता लगाओ करता हूँ, उसी के साथ उनकी लोकेशन और गन पोजीशन का पता चलेगा। श्याम जी मैं भी चलूंगा आपके साथ कवर फायर देते हुए। नहीं, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। एंड दिस इज एन ऑर्डर। प्लटून के हर आदमी की जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। इज दैट अंडरस्टूड? जी श्याम जी। This is Alpha calling Manoj, pass your message over. Sir, dushman ki position locate ho gayi hai. They'll be out of your way. Soon you will see the tricolor on Khalobar. Fantastic, Manoj. All the best. Please take care. Over. You take care of yourself, sir. Aapko goli lagi hai aur aapke ghar mein do bachiyan aapka intezar kar rahi hai. Mera to sirf ek hi cheez intezar kar rahi hai. Jeet. Victory. Over and out. Over and out, sir. Right, mein do bangas hai. लेफ्ट में चार, तुम एक सेक्शन लेकर राइट से अटैक करो। जी साहब जी। मैं फाइव प्लेटून लेके लेफ्ट से अटैक करता हूँ। जी साहब जी। ओके। पाकिस्तानी को तो मैंने धर लिया है, लेकिन हमारा एमिनेशन और रेशन खत्म हो गया और मुझे गोली लगी है। ओके, डोंट वरी, फर्स्ट एड, कम ऑन। शेरशाह कौन है मैं ना तेरा मदर? हमने तुम लोगों का वायरलेस मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया था काफिरों। रॉकी नॉप पर तो तुम बच गए, लेकिन यहाँ तुम लोग मरने के लिए आए हो। शेरशाह नाम रख लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। और हाँ, ऊपर आने की जरूरत मत करना। ऊपर आओगे तो वापस नहीं जा पाओगे, समझे तुम? तुम ठीक कह रहे हो। अरे आपके पिल्ले वापस वाकई मुश्किल होगी। दो चार लाशें उठाकर लाने पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा प्यारा वतन तुम लोगों की लाशों को भी पहचानने से इनकार कर दे। मैं तुम्हें कवरिंग खाई देता हूँ, तुम वापस चले जाओ। गो बैक टू फायर बेस। ओके ओके, रेडी गो। तू तो काफी समझदार है रे, बस एक काम कर ले, वो माधुरी दीक्षित हमारे वाले कर दे। खुदा कसम हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सॉरी, माधुरी जी तो बहुत ही बिजी हैं। तुम्हारे दफन के लिए मिट्टी जमा कर रही है बहन।
गोली मार दी सालों ने, ओवर एंड आउट। छड़ दे यार, सालों ने दिल पे गोली मार दी। साहब जी, विक्की, मुझे दिल पे गोली मार दी सर। राइफल मैन संजय कुमार। हाँ साहब जी, रिश्ता याद है ना? याद है साहब जी। दोस्ती का भूलना मत। याद है साहब जी, कभी नहीं भूलूंगा साहब जी। जोसा, यस विकी। जोसा, विकी। जोसा, आई एम सॉरी सर। नहीं विकी, मैं अपना विक्ट्री कॉल सेंड देना भूल गया। विकी, we'll be right back.
was there, Lucy? Is there Rhoda? Come back! I said come back! You cannot cross the line of control! Come back! Is there Rhoda? हमारे विक्रम बत्रा को मारा। विकास, विकास, लापता पड़ो से। ये भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। A soldier gives respect to another. इसने हमारे विक्रम को। I know that. मुझे भी उतना ही दुख है, जितना तुम्हें है। But don't forget, we are soldiers. They are human beings. Understand? Not done, sir. Not done. ये लोग इंसान नहीं हैं। संजय कुमार, इट्स एन ऑर्डर इन देयर। कम इन गोमती। गोमती के सारे टू अल्फा साफ बंकर एरिया मनोज पांडे साहब ने क्लियर कर दिया है, मगर हमारे अफसर मनोज साहब और भीमा दीवार शहीद हो गए हैं। अब आप खाली पार पर अटैक कर सकते हैं। सूरज ढलने के बाद खालुबार पर अटैक करेंगे हम। घातक टू अल्फा। यस बलवान, कम इन। सर, द घातक हैव टेकन टाइगर हिल। सर, टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा है। सर, एनी कैजुअल्टी? कैजुअल्टी तो हुई है सर, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि द पाकिस्तानीज फॉट वेरी ब्रेवली। सर, सर इन पाकिस्तानियों की बॉडीज का क्या करें? सर, गिव देम डीसेंट बरियल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स। सर, आखिरकार 18 ग्रेनेडियर्स की जीत हुई है। सर, वी टुक टाइगर हिल। कांग्रेचुलेशन बलवान। कम सून। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यादव जी, तुम छोड़ कर चला गया। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम। सर, मैं विक्रम साहब की वजह से जिंदा आगे नहीं जाने दिया मुझे। बोले तेरी बीवी बच्चे हैं, मेरा तो कोई नहीं है। सर, धक्का मार के मुझे पीछे कर दिया।
एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। Chanakya, is it true about Shersha? Sangram, I'm sorry. Vikram is no more. God. मैं तुम्हारी कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाऊंगा। कल पर्वतों पे कहीं बरसी थी जब गोलियां, हम लोग थे साथ में और हौसले थे जवान। चट्टानों पे है अपने लहू के निशान, साथी मुबारक तुम्हें ये चश्मा हो जीत का, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बहुत बुरी आदत है, जाते हुए तुम कभी पलट के नहीं देखते, इस बार जरूर देखना वरना जिंदगी भर यहीं खड़ी रहूंगी। सामने आंसू टपकाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम आंसू टपकाएंगे तुम्हें जाते हुए देख के, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? जब तक सूरज चांद रहेगा, रोज पानी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रोज पानी तेरा नाम रहेगा। वंदे मातरम्। वंदे या तो बर्फीली चोटी पे तिरंगा लहरा के आऊंगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपटा हुआ चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर, लेकिन आऊंगा जरूर, लेकिन आऊंगा जरूर। कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, कल फूल चेहरा कोई जब तुमसे मिलके खिले। कल तुमसे बिछड़ी हुई ममता जो फिर से मिले, कल फूल चेहरा कोई
तुमसे मिलके खिले पाओ तुम इतनी खुशी मिट जाए सारे गिले है प्यार जिनसे तुम्हें साथ रहे वो सदा बस इतना याद रहे एक साथी और भी था साथी और भी था।